Okay, so today we will discuss about the question answer of this chapter. If you have any problem, first I want to explain it, then we will move to question answer. And tomorrow is your PT meet, time is 10 to 11. A Lohit, what's your problem? A Lohit, what's your problem? Ma'am, PT meet online or offline hoga? PT meet. जैसे वर्चुअल पीटी मीट होता था ऑनलाइन वैसे ही होगा. समझ में आई ए लोहित? समझ में आया? यस मैम. पीटी मीट जैसे होता था. यस मैम. यस मैम. अच्छा अनुष्का वत्स, यू हैव प्रॉब्लम? नो मैम. नो प्रॉब्लम. Chapter 11 Simple class roll number 1. You have problem? Yes ma'am. Ma'am PTM ke din class bhi hoga? Nahi, PTM ke din class nahi hoga. Class will be held on PTM meet. Soni Kumari, any problem? No ma'am. No. Shaili Tiwari, any problem? Yes ma'am. No. Then come on. Yes ma'am. For the discussion, what? Ma'am, Sally ko problem hai. Then Sally, say your problem. Ma'am, what is metal spring? What is metal spring? Okay, children. Metal spring, it is used in torch to connect the positive and negative terminal. Aap metal spring dekhi hoge kisme torch mein tha na? Yes, ma'am. Yes. Ma'am, it is also in remote. Yes, it is also in remote. Yes, it is connecting. ये positive और negative को connect करता है metallic spring. It acts as to connect positive and negative terminal of the, if it is torch, if it is in remote, then it is remote, connecting positive and negative terminal of the appliances, of that appliances. Okay. आइए. ओके चिल्ड्रन. हाँ से सिद्धि से योर प्रॉब्लम. मैम आपने जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए बोला था मैम, मैंने वो बना लिया. दिखाओ अपना इलेक्ट्रिक सर्किट, दिखाओ. मैं देख रही हूँ यहाँ से. तो योर इलेक्ट्रिक सर्किट. यस मैम. एलईडी वेरी गुड. लेकिन आपकी बल्ब अभी जल. हाँ यस वेरी गुड सिद्धि, वेरी गुड. अब आपने स्विच कैसे यूज किया? स्विच कैसे आपने यूज किया? क्या चीज से बनाई स्विच? इलेक्ट्रिक स्विच आप कैसे बनाई? हम मैंने स्विच नहीं बनाया. हाउ? बाय द हेल्प ऑफ. ओके वेरी गुड. एक मिनट, आवाज नहीं है क्या इसका? नो मैम, वो रिजॉइन करेगी तो उसका हो जाएगा. अच्छा चलो हो जाएगा. ओके हेलो चिल्ड्रेन. यस मैम. ओके यू आर लिसनिंग माय साउंड? यस यस मैम. ओके then come on for the discussion of question answer. A. Yes ma'am. Ek minute children, ye class, ek minute aao to. Come on. Thank you.
आकाश एक मिनट आओ ना, हेलो चिल्ड्रेन। यस मैम। ओके आइए, कम ऑन, क्वेश्चन आंसर। ए फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ सिद्धि, योर इलेक्ट्रिक सर्किट इज वेरी गुड, आपने अच्छा बनाया है। एनी अदर स्टूडेंट, और कोई किसी ने बनाया है तो आप अपना वीडियो ऑन करके दिखा सकते हो। ऋषि राज सिंह, ऋषि राज मैम, तुम्हारे भी बनाया है। अच्छा ओके, वन मैम, व्हाट इज बेकला? बेकलाइट। ओके यस मैम। ऋषि राज, हाँ प्रीत कुमार। अच्छा वन मिनट चिल्ड्रेन, प्रीत कुमार एक मिनट, प्रीत कुमार एंड ऋषि राज, योर प्रॉब्लम इज व्हाट इज बेकलाइट। देखिए बेकलाइट इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल्स, हाँ ये इट इज नॉट कंडक्टर। एक मिनट, वेरी गुड, आपका बल्ब जल रहा है, आपका बल्ब जल रहा है। प्रीत कुमार फिर से दिखाओ। यस वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वाह वाह वेरी गुड। और आपने स्विच किससे बनाया, स्विच को किससे बनाया? मैम मेरे पास पहले से, वो पहले से था। चलो वेरी गुड, चलो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना तो सीख लिया। चलो ओके, वेरी गुड बॉय प्रीत, वेरी गुड। चलिए आइए, ऋषि योर प्रॉब्लम इज बेकेलाइट। बेकेलाइट इज एन इंसुलेटर, ये इंसुलेटर का काम करता है। जैसे ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट हियर बेकेलाइट इट इज द इंसुलेटर। और जैसे आपका इलेक्ट्रिक स्विच हुआ, तो इलेक्ट्रिक स्विच का, जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिक स्विच है तो उसके ऊपर का जो कवरिंग है वह बनता है किसका, तो बेकेलाइट का बनता है। बिकॉज इट इज इंसुलेटिंग मटेरियल, एक प्रकार का सब्सटेंस है जो कि इंसुलेटर की तरह काम करता है। ऋषि राज समझ में आया? Yes, ma'am. What is? Insulators and conductor. अच्छा इंसुलेटर और कंडक्टर। देखिए कंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंसेस, उस प्रकार के सब्सटेंसेस को कंडक्टर कहेंगे जिससे आराम से इजिली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके। They are called as conductors. And all metals are good conductors. जितने भी metals हैं वो सारे good conductors होंगे. For example, gold, silver, platinum, copper. These are good conductors. Because through these substances, electricity can flow easily. But there are some substances that is, for example, glass, rubber, bakelite. They are insulators through which electric current can't flow easily. उससे होकर के इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो नहीं हो सकता है, इसलिए इसको हम इंसुलेटर कहेंगे। अब सवाल होता है व्हाई सम सब्सटेंसेस आर कंडक्टर एंड व्हाई सम सब्सटेंसेस आर इंसुलेटर। तो बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड इट, उसके अंदर उस पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ही वैसा है जिसके कारण वह गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। एंड वुड इट बिहेव्स एज इंसुलेटर, जिससे होकर के इजिली करंट फ्लो नहीं कर सकता है। ओके चिल्ड्रेन, अनुष्का वर्क समझ में आया? यस मैम। ओके कैन आई मूव क्वेश्चन आंसर? यस मैम। आइए मैम, साहिल कुमार भी बनाया है। साहिल कुमार एक मिनट, साहिल कुमार सो योर, इधर बैठा। साहिल कुमार सो योर इलेक्ट्रिक सर्किट। साहिल कुमार, मैं साहिल कुमार का देखी, साहिल कुमार, सिद्धि सोनी एक मिनट। मैम साहिल कुमार का तो वीडियो ऑन नहीं है। साहिल कुमार अपना वीडियो ऑन करो। उसका ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया है। साहिल कुमार यू आर
ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया, वो हम लोग का बात नहीं सुन रहा है। अच्छा ओके नो प्रॉब्लम, चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। ओके यस मैम। ओके चलो आइए नेक्स्ट आवर टॉपिक्स इज ए क्वेश्चन आंसर। मेरी आवाज को सुन रहे हो? यस मैम। ओके चिल्ड्रन मैम कैन आई से द आंसर ऑफ ए वन? एक मिनट चिल्ड्रन, वन मिनट। आइए ए फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए इन दिस क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, द थिन कॉइल्ड वायर that gives light when heated up is known as dash of an electric bulb is known Ma'am, can as I say? Filament. Say filament. Yes, filament. Ma'am, filament. Yes, it is called as filament of an electric bulb. Aye, next, an electric device needs at least dash terminal. Ma'am, two terminals. At least two terminals. Aye, next. An electric bulb glows when a dash flows through it. When current. Ma'am, charge. When a charge flows through it, it is also correct. When current flows. Ma'am, positive terminal. एक मिनट. A three charge, charge and current both are correct. But आपके बुक में charge के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, so you will write that is current. An electric bulb glows when a current flows through it. Jab usse current jata hai, then electric bulb glows. 4. The device that is used to break or make an electric circuit is called an dash. Is called an electric switch. Switch. It's called electric switch. Switch. Okay. Aye, next. 1 minute. Next, the material which let electricity flows through them are called conductors. Ma'am, conductor. Yes, are called conductors. Next, electric current dash passes through a sheet of plastic. Cannot. Electric current cannot pass through a sheet of plastic. Sheet of plastic se electric current pass nahi ho sakta. Ma'am. व्हाट मैम ए का सेकंड क्या होगा? ए का सेकंड एंड इलेक्ट्रिक टू टर्मिनल्स। ओके मैम, इलेक्ट्रिक डिवाइस नीड्स एट लीस्ट टू टर्मिनल्स, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल्स एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। ओके अब आइए नेक्स्ट, दैट इज राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आपको ट्रू एंड फॉल्स देना है। आइए नंबर वन, अ ड्राई सेल स्टॉप्स वर्किंग व्हेन एन केमिकल इन इट गेट्स यूज्ड अप। ट्रू एंड ट्रू। यस इट इज ट्रू। बी वन ट्रू। आइए बी टू, इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन टू फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। फॉल्स एंड ट्रू। फॉल्स एंड ट्रू। फॉल्स, इलेक्ट्रिक करंट हर समय जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, नॉट नेगेटिव टू पॉजिटिव। यस मैम, नॉट नेगेटिव टू पॉजिटिव बट पॉजिटिव टू नेगेटिव। यस, वी नीड टू कंप्लीट द रिलेवेंट इलेक्ट्रिक सर्किट टू इनेबल एन इलेक्ट्रिक डिवाइस टू वर्क। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन? बी थ्री। Yes. Yes, ma'am. We need to complete the relevant electric circuit to enable an electric device to work. कोई भी electric device तभी काम करता है जब उसमें electric circuit पूरा हो जाता है। Ma'am, true. Yes, it is true.
When electric circuit, electric device can work when it's, when in it electric circuit is completed. I next. Button cell are used in wrist watches. That's true. True. Yes, it is also true. In our wrist watch, generally button cell is used. I next. E5. We can use a polyester thread in place of metal wire to complete an electric circuit. False. Because polyester threads acts as a non-metal, non-conducting insulator. Ma'am, it is insulator. Yes, growing current. Polyester thread acts as an insulator. जब इंसुलेटर को हम लेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक डिवाइस नहीं काम करेगा. ओके, सो इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर. समझ में आ गया? ओके, नो प्रॉब्लम. अब आइए, कम ऑन सी, पिक द करेक्ट ऑप्शन. द थिन The thin metal wire inside an electric bulb is known as filament. Filament is known as filament. Aye, number two. C2. When an electric current starts flowing in an electric bulb, it starts emitting lights because its filament gets heated up and then Yes, filament gets heated up and then starts emitting light. C is the correct answer. Filaments gets heated up and then start emitting lights. This is the correct answer. Now I am next. The basic electric circuit. The basic electric circuit needs to have a source. A source of electric current, a few conducting wires, as well as an electric switch. जब तक ये सारे नहीं होंगे, तब तक हमारा source of electric, तब तक हमारा electric circuit नहीं बनेगा. Not be possible to make an electric circuit. Electric grid. Okay. Next. 4. The electric bulb in the circuit. Ma'am, 3 ka D hoga na? Haan, 3 ka last. 3 ka last. Okay. Of 3, it is last is the correct answer. Last is the correct answer. एक मिनट चिल्ड्रन, आपस में नो गॉसिपिंग. आइए नेक्स्ट. द इलेक्ट्रिक बल्ब इन द सर्किट शोन हियर वुड ग्लो व्हेन. देखिए आपका ऑन पोजीशन तभी बल्ब जलेगा जब स्विच 1 और 2 हमारे ऑन पोजीशन में होंगे. यस, एट प्रेजेंट बोथ आर इन ऑफ पोजीशन. दोनों अभी कैसे हैं? दोनों अभी ऑफ पोजीशन में हैं. हाँ, दोनों अभी ऑफ पोजीशन में हैं. तो जब तक वो ऑन पोजीशन में नहीं होंगे तब तक हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा. ओके, अब आइए 5. द रिलेवेंट एग्जाम्पल 2 has been correctly tabulated only in table. देखिए, conductor in Ma'am B. Ma'am B. Conductors gold silver, insulators backlight plastic. Yes. One minute, children. 1 minute. जो बच्चे weak हैं पहले उनके लिए भी सोचे. Listen here. कौन बात कर रहा है? ऋषि राज, मैं आपको म्यूट कर दूंगी. ऋषि राज,
देखे। अरे तो क्या हो गया वो गए तो मैम साउंड आ रही है। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? यस मैम। ओके देखिए कंडक्टर इंसुलेटर तो फर्स्ट में जो फर्स्ट ए में गोल्ड है इंसुलेटर इट इज रॉन्ग। अब आइए टू गोल्ड सिल्वर कंडक्टर बेकेलाइट प्लास्टिक इंसुलेटर करेक्ट आंसर। सी कंडक्टर में बेकेलाइट कॉपर गलत है बेकेलाइट इज एन इंसुलेटर। अब आइए डी कंडक्टर में गोल्ड एंड प्लास्टिक प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर नहीं होगा। ओके सो बी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए कम ऑन क्वेश्चन आंसर देन वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर डी। अब हम लोग डी के तरफ बढ़ेंगे व्हाट विल बी इट्स आंसर। आइए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। ओके देखिए स्टेट द फंक्शन ऑफ द मेटलिक स्ट्रिप यूज्ड इन अ टॉर्च। आप देखे होंगे टॉर्च में मेटलिक स्ट्रिप पीछे की तरफ कनेक्टेड है ना। Why it is connected? So because metallic strip acts as connecting wire. यहाँ पे metallic strip किसका काम करता है? Connecting wire का काम करता है. Okay? So metallic strips acts as connecting wire. मैं WhatsApp group पे आपको answer लिख करके भेज दूंगी. Okay? There are so many students unmute. 1 minute. यस मैम। हाँ सालोनी मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है ना? यस मैम। ओके आइए डी टू द गिवन डायग्राम शोज अ ड्राई सेल विथ इट्स डिफरेंट पार्ट्स मार्क्ड एज 1 2 3 4 5 विच ऑफ देम आर द टू टर्मिनल ऑफ द ड्राई सेल। तो देखिए चिल्ड्रन 1 2 3 4 5 ये केवल नंबरिंग दिया गया है। हाँ नंबरिंग इज गिवन हियर। आपको करना क्या है मैं बता रही हूं। फर्स्ट यू हैव टू मार्क 1 2 3। यस 1 क्या है? 1 इज कॉल्ड एज मेटल कैप। सेकंड इज से द नेम इट्स डायग्राम आउटर पोर्शन एमोन अमोनियम क्लोराइड। एक मिनट फर्स्ट इज मेटल कैप सेकेंड इज अमोनियम क्लोराइड थर्ड इज मैग्नीज डाइऑक्साइड फोर्थ इज कार्बन रॉड एंड फिफ्थ इज जिंक बेस। पहले आप क्या करोगे इस नेम को लेबल करोगे डायग्राम बना के। फर्स्ट यू मेक द डायग्राम एंड देन यू लेबल इट। आप उसके पार्ट्स को लेबल करोगे देन उसके बाद क्या कह रहा है विच ऑफ देम आर द टू टर्मिनल्स ऑफ द ड्राई सेल। इस ड्राई सेल का टू टर्मिनल्स क्या है? द टू टर्मिनल्स 1 and 5 पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो 1 टर्मिनल मेटल कैप एक्ट्स एज पॉजिटिव टर्मिनल एंड जिंक केस विच एक्ट्स एज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल ऑफ ड्राई सेल। समझ में आ गया? सो 1 and 5 आर द टू टर्मिनल्स ऑफ दिस ड्राई सेल। समझ में आई? यस मैम। ओके अब आइए मैम। हाँ व्हाट आई हैव ओनली राइट 1 and 5। अनुष्का वर्ड्स योर वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियरली से अगेन। We have to write only positive terminal 1 and negative terminal 5. Yes, negative terminal 5. Positive terminal 1, negative terminal 5. But in your copy, you must label the diagram. बना करके आप diagram को label कर लोगे। आप अपने copy में diagram बना करके first you label it and then you write down the answer. 1 and 5 are the two terminals of this dry cell. इतना तो लिख सकते हो ना?
can you repeat again? It's fast. Yes, ma'am. Again, this question. Ma'am, can I say? एक मिनट फिर से इस क्वेश्चन के आंसर को बता दूं मैम ओनली स्पार्क वन एंड फाइव आर द टू टर्मिनल्स ऑफ दिस ड्राई सेल मैम आई विल अंडरस्टैंड व्हाट इज नंबर 1 व्हाट इज नंबर 2 लाइक दिस यस मैम व्हाट इज नंबर 1 व्हाट इज नंबर 2 व्हाट इज नंबर 3 व्हाट इज नंबर 4 व्हाट इज नंबर 5 आपको लिखना है Yes, ma'am, ma'am, वो 172 पेज में दिया हुआ है यस इट इज गिवन ऑल्सो इन पेज नंबर 172 ओके आपको बात समझ में आ गया यस मैम ओके आइए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द मीनिंग ऑफ द टर्म इलेक्ट्रिक सर्किट मैम मैं बोलूं बोलो सालोनी इज द आंसर अ कंप्लीट एंड क्लोज्ड पाथ थ्रू व्हिच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट यस कंप्लीट एंड क्लोज्ड पाथ थ्रू व्हिच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट मैं पहले ही कल ही बताई थी इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है एक प्रकार का रास्ता है जिससे होकर के इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है फ्लो करता है जिससे होकर के इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है ओके आई नेक्स्ट स्टेट द रोल ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक स्विच का व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द रोल ऑफ स्विच इज टू मेक ऑन एंड ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच का काम है ऑन एंड ऑफ करना टू मेक द करेंट ऑन एंड ऑफ इन द इलेक्ट्रिक सर्किट दिस इज द मेन वर्क ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच अब आइए नंबर 5 मैम कैन आई आंसर नंबर 5 एक मिनट पहले क्वेश्चन समझाने दो बेटे टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर्स एंड प्लायर्स यूज्ड By electrician have handles made up of or covered with plastic, rubber, and wood. Why? Okay. Ma'am, because they are insulators. Because they are insulators through which electric current can't flow easily. Okay. They are insulators. समझ में आ गया? Okay. Very good answer. मैं सारे क्वेश्चन के आंसर व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख करके डाल दूंगी जो बच्चे नहीं लिख पाते हैं वे बच्चे आराम से लिख लेंगे जो बच्चे तेज है वो कैन आई सी द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 एक मिनट व्हाई शुड वी ऑलवेज ड्राई आवर हैंड्स बिफोर टचिंग एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और अ स्विच क्यों हम हाथ को ड्राई करते हैं because water is a good conductor of electricity. Yes, because water is a good conductor of electricity. If we touch the electrical appliances with wet hands, electricity flows through our wet hands to our body and give an electric shock. समझ में आया? Yes, ma'am. ओके मैं इसको भी व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख करके डाल दूंगी जो बच्चे नहीं लिख सकते हैं लिख लेंगे आइए E1 मैम मुझे कुछ पूछना है सालोनी व्हाट्स योर प्रॉब्लम से मैम जो सेल का डायग्राम बैटरी का डायग्राम ये सब इंपॉर्टेंट है ना हाफ फाइनल एग्जाम के लिए यस द फाइनल के लिए The diagram of dry cell or electric cell is very very important. ये एग्जाम में पूछता है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ड्राई सेल एग्जाम में पूछता है